हेलो दोस्तों, आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लिस्ट एंड बैटन कॉलम के बारे में बात करने वाला हूं। सो लिस्ट एंड बैटन कॉलम क्या होता है? दरअसल इससे पहले और एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। तो टू मतलब ऐसे कभी कभी होता है कि अगर हम ऐसे एक सेक्शन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ऐसा सेक्शन जब होता है जिसमें एक पार्टिकुलर एक्सिस में स्लेंडन रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत ज़्यादा होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे एक्सिस में हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो बहुत कम होता है। जैसे कि हमारा चैनल सेक्शन है, ऐसे अगर चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन में क्या होता है, हमारा जो इस एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, या इसको हमारा जो नोटेशन देते हैं उसको जेड एक्सिस भी दिया जाता है। ओके, इसको जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। इस एक्सिस में हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जो ये दूसरा जो एक्सिस है इस एक्सिस में, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस में हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है वो बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ जेड एक्सिस। देखने से ही पता चलता है, क्योंकि जेड जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो उसका जो वो एक्सिस से जो हमारा एरियाज जो एरिया है वो डिस्टेंस बहुत कम है। मतलब ये जो इसका एरिया, मतलब हमारा सेक्शन का एरिया और यहाँ से डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो हमारा जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से जो हमारा एरिया है, आप देख सकते हैं इधर कि हमारा ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस से हमारा जो एरिया है इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये जो एरिया है वो बहुत दूर दूर तक है। दूर दूर तक होने के कारण हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो वाई एक्सिस में हमारा बकलिंग केस क्रिएट हो जाता है। मतलब ऐसा पता है कि बकलिंग उस एक्सिस में होता है जिस एक्सिस में हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन कम है। सो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अभी अगर ये सेक्शन हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम बनेगा वो बहुत कम बनेगा, क्योंकि इसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो वाई एक्सिस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकलेगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है इस सेक्शन को हम यूज़ करेंगे लेकिन उसका रेडियस ऑफ जायरेशन भी ज़्यादा हो। सो इसके लिए एक पार्टिकुलर सेक्शन बनाने के लिए कभी कभी अभी चैनल सेक्शन को छोड़ देते और एक अलग सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन पकड़ लेते, ये वाला सेक्शन। इससे एग्जांपल मैं समझाने से अच्छे से समझ सकते हो। सो इस सेक्शन में क्या होता है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस और ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक इसका एरिया फैला हुआ है इस एक्सिस से, सो इसके कारण जेड एक्सिस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा है, लेकिन वाई एक्सिस में इसका ये ज़्यादा नहीं जा रहा है इस एक्सिस से। सो इसके लिए हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज वेरी लेस। सो हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर लोड तक, पी समझ लीजिए, पी लोड हमें इस एक्स कॉलम से मतलब ये लोड देना है हमें इस कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, हम आइदर इसको छोड़कर एक नया सेक्शन बनाएंगे जिस सेक्शन का एरिया इससे ज़्यादा होगा। इस सेक्शन का एरिया इससे ज़्यादा है ना, सो इस सेक्शन का एरिया इससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने से क्या होगा, जो वाई एक्सिस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन था वो इंक्रीज होकर ये हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब क्या है, हमें ऐसा सेक्शन मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, अभी हमारा हिसाब से तो हर सेक्शन मैन्युफैक्चर नहीं होगा ना। सो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, बिल्डअप सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो सेक्शन या तीन सेक्शन या चार सेक्शन या पांच सेक्शन को हम वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करते कैसे, लिस्ट एंड बैटन से हम इसको ज्वाइन करते हैं। सो ज्वाइन करने का भी प्रोसीजर है, किस हिसाब से हम ज्वाइन करते हैं, समझ लीजिए। अगर पहले तो ये जो था ये वाला का मोमेंट ऑफ मतलब एक्सिस था ऐसा था हमारा, लेकिन दो सेक्शन अगर मिला दे तो मिलाने से क्या होगा, और इसमें इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते। सो डिस्टेंस मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। सो ऐसे दो अगर यूज़ करते हैं हम कॉलम पर्पस, तो दो यूज़ करने से हम क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। सो प्रिंसिपल एक्सिस से हम जितना डिस्टेंस इस तरफ जाएंगे इतना ही हमारा वाई एक्सिस में हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज होगा। इसको अगर और इधर लेके जाओ, मतलब ये जो है इस सेक्शन को, मतलब स्पेसिंग इसको इसके बीच में जो दो मेंबर के बीच में अगर स्पेसिंग जितना इंक्रीज करूंगा उतना ही हमारा वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जितना इंक्रीज होगा इतना हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीज होगा। लेकिन जेड एक्सिस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो इस केस में जितना था, मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस में था, और इस केस में यहाँ से जितना डिस्टेंस में रहेगा सेम ही डिस्टेंस में रहेगा। सो
यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन सेम ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, मतलब हमारा यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन इतना जितना डिस्टेंस में यहाँ से है इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे ही रहेगा, जितना भी हम इसको वो कर दे स्पेसिंग बिटवीन देम इंक्रीज कर दे, मतलब इसको और इंक्रीज कर दे, जितना भी इंक्रीज कर दे हमारा जो जेड एक्सिस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना हम स्पेसिंग स्पेस इंक्रीज करेंगे इतना हमारा वाई एक्सिस में रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है इसके बीच में, ताकि हमारा जो वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, मतलब आर जेड जेड जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, उस रेडियस ऑफ जायरेशन से हमारा वाई एक्सिस में रेडियस ऑफ जायरेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए या इक्वल टू दैट ऑफ होबी, दोनों भी चलेगा वाई में, ताकि क्या हो, पहले तो हमारे इस केस में जो बकलिंग मतलब होने वाला था वो किस एक्सिस में होने वाला था, ये तो होने वाला था वाई एक्सिस में, लेकिन इस केस में अगर हमारा मतलब आर वाई वाई अगर इंक्रीज कर दे जेड आर जेड जेड से, तो हमारा बकलिंग किस एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा, पूरा उल्टा, इसमें होने वाला था वाई एक्सिस में बकलिंग और इसमें होगा जेड एक्सिस में बकलिंग, क्योंकि हमने वो वाई एक्सिस में जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज कर दिया इसमें बाई कीपिंग ए स्पेस बिटवीन दिस टू मेंबर, तो ऐसे करके हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक कॉलम सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ये वाई एक्सिस में था, पहले तो ये था एक्सिस और फिर दो सेक्शन को यूज़ करने के बाद वाई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे चला गया और इससे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। सो डिस्टेंस इतना इंक्रीज होगा उसके हिसाब से तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इंक्रीज होगा हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन भी इंक्रीज होगा। सो अभी यहाँ पे जो हमारा आर वाई वाई है वो हमारा आर जेड जेड से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल सेक्शन अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा आर जेड जेड इज़ फार लेस देन आर वाई वाई। तो यहाँ पे दो सेक्शन यूज़ करके बिल्डअप सेक्शन बना के दो सेक्शन को हम बिल्डअप करते हैं, बिल्डअप करके हमें इस सेक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बिल्डअप सेक्शन दो सेक्शन को तो हम बना देंगे ऐसे, लेकिन हम इसके लिए लेसिंग और बैटनिंग यूज़ करते हैं, ताकि ये दोनों जो सेक्शन है दोनों सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रह सके पूरा कॉलम में। ये एक सेक्शन ऐसा है, आप समझ लीजिए, मैं अच्छे से ड्राइंग करता हूँ इसको, ये एक सेक्शन है ठीक है, और ये दूसरा सेक्शन है। अभी इस दूसरा सेक्शन में अगर हमें ऐसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो इस दोनों में तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ये आर वाई वाई आर जेड जेड से ज़्यादा रहे, तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच कनेक्शन एक देना पड़ेगा ताकि ये डिस्टेंस मेंटेन रह सके। सो ये जो कनेक्शन हम देते हैं ताकि ये डिस्टेंस मेंटेन रह सके, पास ना आ सके, सो उसको हम बोलते हैं लेसिंग और बैटनिंग। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये दोनों एलिमेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्लेस किया जाएगा बाय यूजिंग सूटेबल लेटरल सिस्टम। ये जो लेटरल सिस्टम जो हम ये जो सिस्टम यूज़ करते थे मैंने ड्राइंग में दिखा, वो लेसिंग एंड बैटनिंग हमारा लेटरल सिस्टम है। सो दो टाइप का हमारा कॉमनली लेटरल सिस्टम दो टाइप का होता है, लेसिंग एंड बैटनिंग। अभी लेसिंग क्या होता है देख लेते हैं, रोल्ड स्टील फ्लैट्स और एंगल्स आर यूज्ड इन लेसिंग। वन कैन यूज सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लेटरल सिस्टम टू कीप द मेंबर्स मेन मेंबर्स ऑफ द कॉलम अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। इन डूइंग सो लेसिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हमारा एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर। सो इन दोनों में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये हमारा लेसिंग प्रोवाइड करते हैं। सो लेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा ये लेसिंग एक फ्लैट प्लेट भी हो सकता है, फ्लैट प्लेट, स्टील प्लेट, और हम एंगल सेक्शन भी यूज़ करते हैं ऐसा लेसिंग। हाँ ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है तो प्रोवाइड लेटरल रेस्ट्रेन। और इसमें क्या है हमारा जो इसमें जो हमारा इसके कारण ये जो दोनों मेंबर सेपरेट होने के कारण इसमें एक्सियल फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, सो इन दोनों में फोर्स क्रिएट होता है, मतलब ये जो दोनों मेंबर है मेन मेंबर जब पास आने की कोशिश करेगा तो फोर्स कहाँ पे जाएगा, फोर्स तो हमारा लेटरल लेसिंग में जाएगा ना। सो लेसिंग जो दो तरीके का होता है, आइदर सिंगल सिस्टम और डबल सिस्टम्स। ठीक है, सिंगल सिस्टम, सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम। ये सिंगल लेसिंग सिस्टम ये फेस है,
मतलब इस तरफ से ऐसा है, ठीक है, और पीछे की तरफ ऐसा है, मतलब इसको अगर राउंड करके मैं पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो ये वाला यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा, ये पार्ट ओवरलैप हो जाएगा और ये पार्ट ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर आप अगर इस तरफ से देखेंगे, एक साइड से देखेंगे तो पीछे की वाला नहीं देख सकते, ठीक है। इस तरफ से अगर देख रहे हैं, इस तरफ से देखने से पीछे वाला जो सेक्शन है वो नहीं देख सकते, क्योंकि ये पीछे वाला इसका मिरर होगा, ये बोल्ट बिल्कुल इसके पीछे होगा और ये बोल्ट इसके पीछे होगा। सो ये पूरा मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। लेकिन इन केस ऑफ हमारा जो है लेसिंग विद डबल सिस्टम क्या होगा, सामने की तरफ जैसे होगा ऐसे, ऐसे एक प्लेट, ऐसे एक प्लेट, ऐसे एक प्लेट, ऐसे एक प्लेट, बीच में इसको कनेक्शन देगा, ऐसे एक प्लेट और एक प्लेट बीच में कनेक्शन देगा, ऐसे कनेक्शन होगा। पीछे की तरफ ही मिरर ही है, पीछे की तरफ ही ये पीछे की तरफ ही जाएगा, इस तरफ पीछे की तरफ, और ऐसे ही ये वाला इसके पीछे होगा, ये वाला इसके पीछे होगा, ठीक है, समझ गया ना, फेस है फेस भी का, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ कॉलम, दिस टाइप ऑफ कॉलम लिस्ट कॉलम का कुछ IS 800/2007 का कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। एज फार एज पॉसिबल द लेसिंग सिस्टम शैल बी यूनिफॉर्म थ्रू, ये यूनिफॉर्म रहना चाहिए, कभी नॉन यूनिफॉर्म मतलब बीच में कहीं लेसिंग नहीं दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सिंगल लेस्ड सिस्टम द डायरेक्शन ऑफ लेटिसेस ऑफ अपोजिट फेसेस शुड बी शेडो ऑफ अदर एंड इट शुड नॉट बी म्यूचुअली अपोजिट, मतलब मैंने जो बोला है कि एक दूसरे का मतलब इसके पीछे का जो होगा इसका शेडो होना चाहिए इसके पीछे का जो हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन वोल्टेड रिवेटेड कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग शुड बी 3 times द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, मतलब हम जो यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर, ये एक मेन मेंबर है, ये दूसरा मेन मेंबर है, सो हम लेसिंग ऐसे प्रोवाइड करते हैं, लेसिंग दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये एक लेसिंग है, ठीक है, ये दूसरा लेसिंग है, ठीक है, इसमें वोल्टेड, इसमें वोल्ट है, इसमें वोल्ट है, हाँ। सो यहाँ पे जो बोला है जो चीज़ है कि इसका जो विड्थ होगा ना, विड्थ होगा, सो इसमें विड्थ कम से कम इस वोल्ट का जो डायमीटर होगा इसके 3 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो विड्थ होगा, विड्थ ऑफ द लेसिंग शुड बी मोर देन 3 times द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है, समझ गए। नाउ ये जो इसका जो थिकनेस होगा, मतलब इसको अगर 3D में हम दिखाएंगे, ये अगर लेसिंग है, ये अगर लेसिंग दिया हुआ है, इसको हम 3D में अगर देखेंगे तो लेसिंग का जो थिकनेस होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, लेसिंग का जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 140 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ, मतलब ये लेसिंग है, इसका कुछ इफेक्टिव लेंथ होगा, निकालेंगे K का वैल्यू, तब हमें इफेक्टिव लेंथ मिलेगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगा KL, इफेक्टिव लेंथ का 140 जो है, मतलब डिवाइडेड बाई 40 करते हैं अगर, KL बाई 40 से कम नहीं है, KL बाई 40 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, KL बाई 40 से ज़्यादा होना चाहिए हमारा जो थिकनेस, थिकनेस फॉर सिंगल लेसिंग, और अगर इन केस ऑफ डबल लेसिंग है तो 160 से KL बाई 160 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट हमारा जो है ये जो लेसिंग बार वेदर इन डबल और सिंगल शैल बी इंक्लाइंड इन एन एंगल एट एन एंगल लेस देन 40 एंड मोर देन 70 टू द एक्सिस ऑफ द बिल्डअप मेंबर, मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल 40 से ज्यादा एंड यहाँ पे दिखाता हूँ 40 से ज्यादा और 70 से कम, ये एंगल अगर अल्फा हुआ एंगल, ये एंगल अगर अल्फा हुआ देन दिस एंगल शुड बी मोर देन 40 एंड लेस देन 70। नाउ यहाँ पे जो है द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंबर शुड बी केप्ट सो टू गेट RYY ग्रेटर देन RZZ where RYY is the radius of gyration of the laced column about the axis parallel to the weaker axis to the individual member and RZZ is the radius of gyration of the laced column about the axis parallel to the stronger axis of the individual column। यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने ऊपर में समझा दिया है कि ये जो RYY इससे ज़्यादा होना चाहिए और क्या ज़्यादा होना चाहिए और RYY और RZZ क्या है ये आपको समझ गए होंगे ऊपर में से, इसको मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। So maximum spacing of lacing bar shall be such that the maximum slenderness of the main member between the consecutive lacing connection is greater than 50 or 0.7 times the most unfavorable slenderness ratio of the member as a whole। यहाँ पे क्या बोला है मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर से कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे जो एक चीज़ है, ये जो lacing प्रोवाइड किया गया ना, ये जो लेसिंग प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे तो रेस्ट्रेंट है, लेकिन इस पार्ट में कोई रेस्ट्रेंट नहीं है,
तो अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ पे कोई इसके ऊपर कोई कॉलम नहीं है और इसके नीचे कोई कॉलम नहीं है, हम सिर्फ ये कॉलम ही सिर्फ कंसिडर करते, तो यहाँ पे भी तो सिर्फ लोकल बकलिंग होने का चांसेस है, यहाँ पे भी तो लोकल बकलिंग होने का चांसेस है, और इसका लेंथ जितना इंक्रीज होगा इतना ही बकलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, इस एरिया का जो हम वो निकालेंगे, ये लेंथ का मतलब बिटवीन द बोल्ट्स ऑफ द लेसिंग, बिटवीन द बोल्ट्स ऑफ लेसिंग, ये लेंथ का इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, और इफेक्टिव लेंथ निकाल के ये जो इस मेंबर का एक अलग वो होगा, ये अलग वो होगा, आर मिनिमम होगा, ये एज ए होल नहीं, इस मेंबर का, इस मेंबर को सिर्फ ये मेंबर हम कंसिडर करेंगे, ये मेन मेंबर कंसिडर करेंगे, तो इसका ही इसका अलग ये आर वाई वर और आर जेड जेड से डिफरेंट होगा, पूरा डिफरेंट होगा, इसका जो मिनिमम वो होगा रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसका वो जो इफेक्टिव लेंथ भी वो भी डिफरेंट होगा, तो इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ जायरेशन डिफरेंट है, तो हम स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो होगा वो इस पार्ट का इसका वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 0.7 ऑफ द पूरा होल सेक्शन का अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द होल सेक्शन से, जो मतलब पूरा जो वो है पूरा होल कॉलम जो है, सिर्फ ये नहीं पूरा होल कॉलम ऊपर नीचे सब में जो मिला के जो स्लेंडरनेस रेशियो मिला बनता है उसका 0.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये पार्ट का, ठीक है, ये पार्ट का जो स्लेंडरनेस रेशियो निकलेगा, क्योंकि ये अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो पूरा ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, बकल हो जाएगा, ये लोकल बकलिंग हो जाएगा, तो ऊपर का भी एक बकलिंग होगा, ऊपर का सेक्शन का भी एक बकलिंग होगा, ऐसे यहाँ पे और एक रेस्टेंड है, इसका भी और एक बकलिंग होगा, तो ये पूरा सेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे जहाँ पे रेस्टेंड है वहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये पर स्टैंड है, लेकिन इसके बीच में जो बकलिंग क्रिएट होगा, इसके बीच में क्लब बकलिंग क्रिएट होगा, ये स्नेक की तरह हो जाएगा पूरा, तो ये तो काम में नहीं आएगा ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो लेसिंग शेल बी डिजाइन टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसवर्स शेयर वीटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मेंबर इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर, मतलब क्या है, मतलब है हमारा जो वीटी होगा जो हमारा जो टोटल डिजाइन ट्रांसवर्स शेयर, मतलब ये अगर एक मेंबर है, ये अगर दूसरा मेंबर है, सो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स शेयर एक्ट करेगा, मतलब लेटरली मैं समझाता हूँ इसको, यहाँ पे एक फोर्स और यहाँ पे और दूसरा फोर्स, ये लेटरली ट्रांसवर्स शेयर क्रिएट हो रहा है, और बीच में यहाँ पे हमारा वो है लेसिंग है, यहाँ पे फिर से एक लेसिंग है, यहाँ पे फिर से एक लेसिंग है, सो ऐसे लेसिंग तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन लेटरल ट्रांसवर्स शेयर भी क्रिएट हो रहा है VT, सो ये जो VT होगा ना, VT का वैल्यू एक्सियल मेंबर में जो फोर्स दिया जा रहा है, जो इसको सेना है उसका 2.5% होना मेंटेन करते, मतलब उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, ताकि ये जो टोटल अगर हमें लोड इसको इसमें देना है P, देन 2.5% ऑफ P जो लोड निकलेगा उसके हिसाब से हम लेसिंग डिजाइन करते, ताकि ये जो लेसिंग है ये ट्रांसवर्स शेयर 2.5% ऑफ P सह सके, 2.5% P सह सके, ऐसे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। और इफ द टू ट्रांसवर्स पैरेलल सिस्टम्स आर देयर, मतलब इसके पीछे भी तो और एक वो होता है ना, मतलब इस साइड में एक होता है, पीछे की और तरफ और एक लेसिंग होता है, सो अगर इसको अगर VT इस तरफ से अगर VT लोड देना है तो पीछे की तरफ भी वो लोड लेगा, तो एक पार्टिकुलर लेसिंग कितना लेना चाहिए, VT/2, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, इसमें VT/2 जाएगा, पीछे VT/2 जाएगा, पीछे के मेंबर जो होता है फेस बी में पीछे की तरफ, इस तरफ से अगर देखेंगे पीछे की तरफ से और एक लेसिंग है इसके जस्ट मिरर इन्वर्ट पीछे की तरफ, सो दोनों मिला के VT लेगा, तो एक कितना लेना चाहिए, एक पर्टिकुलर लेसिंग VT सह सकता है, ऐसा डिजाइन करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग देन VT, अगर ये कॉलम अगर बेंडिंग सेने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है, मतलब बेंडिंग भी होगा इसमें, तो बेंडिंग शेयर जो क्रिएट होगा, बेंडिंग के लिए शेयर क्रिएट होता है जो हम आगे भी पढ़े हैं, सो बेंडिंग शेयर जो लोड मतलब होगा वो प्लस 2.5% ऑफ द कॉलम फोर्स, मतलब जो 2.5% देखते थे पहले इस तरफ, जो जिसमें बेंडिंग होने का चांसेस नहीं है, ऐसे केस में तो 2.5 हम वो ट्रांसवर्स शेयर कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर बेंडिंग भी होने का अगर इसमें प्रोबेबिलिटी है ये कॉलम में, देन हम बेंडिंग शेयर जितना क्रिएट हो सकता है उसको वैल्यू प्लस द 2.5% ऑफ द कॉलम फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग सिंगल इज लेस इन लेस सिस्टम इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन द इनर एंड ऑफ द फैसनर, ठीक है। सो हम जो अभी लेसिंग के बारे में समझ लेते हैं कि अगर लेसिंग जो मेंबर है इसका जो इफेक्टिव लेंथ, इसका भी तो स्लेंडरनेस रेशियो होगा ना, ये भी बकल हो सकता है अगर कंप्रेशन फोर्स आया तो, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ से। ये अगर एक वो हुआ हमारा
यहाँ पे और एक मेन मेंबर, ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर हमारा, इसको मैं वो कर देता हूँ, लेसिंग प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरफ से, और एक लेसिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरफ से और एक लेसिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे जो फोर्स जाएगा, इसको मैं और एक कलर से दिखाता हूँ। अभी इस तरफ से जो फोर्स आएगा, इस तरफ से फोर्स आएगा तो कंप्रेशन फोर्स आएगा। कंप्रेशन फोर्स होने के कारण ये भी बकल होने का चांसेस है, लेसिंग को भी बकल होने का चांसेस है। सो लेसिंग ताकि बकल ना हो, इसका स्लेंडरनेस रेशियो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग इन लेसिंग सिस्टम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इनर मेंबर। सो इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। तो हम इनर एंड के जो फेस्टनर रहेगा, लास्ट फेस्टनर, इसको मैं क्लम्सी हो गया, थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा चूज कुछ चीजें। सो यहाँ पे बोल्ट कनेक्टेड रहेगा, 1 2 3। सो लास्ट जो फेस्टनर है, और यहाँ पे 1 2 3 3 बोल्ट, ये जो लास्ट फेस्टनर है, लास्ट वाला, ये लास्ट फेस्टनर से जो डिस्टेंस रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे एज अवर इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। फॉर डबल लेसिंग सिस्टम इट शुड बी इक्वल टू 0.7 टाइम्स द ऑफ इट्स लेंथ। अगर डबल लेसिंग सिस्टम है, मतलब इस तरफ से और एक लेसिंग आ रहा है और पीछे से कनेक्ट किया गया है, अगर ऐसा है तो 0.7 टाइम्स ऑफ इस लेंथ। तो ताकि इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में अगर सिंगल कॉलम में तो वो इनर फेस्टनर से जो डिस्टेंस है वो कंसिडर करते हैं, लेकिन डबल लेसिंग में हम क्या करते हैं, ये जो लेंथ है इसका 0.7 टाइम्स हम कंसिडर करते हैं लेसिंग का, ठीक है। नाउ हम ये देखते हैं, इन वेल्डेड कनेक्शन कंस्ट्रक्शन द वेल्ड जब हुआ द इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन 0.7 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड्स ऑफ द वेल्ड। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब वेल्डिंग कनेक्शन दिया होता है, ऐसे वेल्डिंग कनेक्शन दिया होता है तो जो एंड होता है, यहाँ से जो एंड से एंड तक जो डिस्टेंस है उसका 0.7 टाइम्स लेते हैं, हाँ। और वही है सिमिलरिटी। अभी हम देख लेते हैं 11 वाला पॉइंट बोलता है स्लेंडरनेस रेशियो के एल बाई आर फॉर लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145 एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। मतलब इसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा, ये लेसिंग का स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट एक्सीड 145। और यहाँ पे जो हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे इस लेसिंग का फॉर फ्लैट कनेक्ट, फ्लैट अगर फ्लैट मेंबर हुआ, ये अगर हमारा लेसिंग अगर फ्लैट लेसिंग दिया हुआ है, लेकिन एंगल देने से हम निकालना पड़ेगा कितना होगा आर फ्रॉम स्टील टेबल। अगर फ्लैट लेसिंग है तो आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं थिकनेस बाई रूट ओवर ट्वेल्व अगर जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हम निकाल सकते हैं। और रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे डालने से और इफेक्टिव लेंथ से डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो, और जिसका वैल्यू 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन करना पड़ेगा। सो अब हम देख लेते हैं हमारा जो 12 वाला पॉइंट है वो क्या है। यहाँ पे बोला है द लेस कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रोवाइडेड विद टाई प्लेट्स डिजाइन एट एज बैटन प्लेट्स एट द एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम एंड एट इंटरसेक्शन with other member and at points where the lacing system is interrupted. So बात क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा जो lacing system हम provide करते हैं, lacing system में हमारा जो end वाला part है, जो end यहाँ पे जो end है column का ends में, हम ऐसे batten system provide करते हैं, ऐसे tie bars provide करते हैं। बीच में तो हम lacing provide ही करते हैं, ऐसे inclined वाला तो provide करते हैं, लेकिन एंड में हम ऐसे यूज़ करते हैं। और कहीं पे अगर ऐसे हमारा इंटरप्शन आ गया, यहाँ पे यहाँ से हम और एक बीच में छोड़ दिया कोई पार्ट, यहाँ पे इंटरप्शन हो गया तो यहाँ पे और एक हम ऐसे टाइप प्लेट्स यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप प्लेट्स, ठीक है, वही लिखा है इधर। फिर हमारा जो है द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेट्स कॉलम शेल बी टेकन एज 1.5 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इन ऑर्डर टू अकाउंट द शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट। सो ये वाला पार्ट तो ठीक है, जो हमारा जो टोटल हम जो निकालते हैं, ये जो हमारा जो यहाँ पे जो इस सेक्शन के लिए जो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कौन सा प्रोवाइड करेंगे, जो मिनिमम है वही है, मिनिमम है RZZ। और यहाँ पे टोटल जो लेंथ होता है पूरा कॉलम का जो लेंथ होता है, पूरा कॉलम का हम लेंथ लेते हैं, इसको हम उसका इफेक्टिव लेंथ समझ लीजिए KL है। फिर KL बाई RZZ ऊपर वाला केस अगर हुआ, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऊपर वाला केस से कि RZZ से डिवाइड करने से हमें स्लेंडरनेस मिल गया ना, लेकिन यहाँ पे तो हमने बीच में लेसिंग प्रोवाइड किया तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 5% इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हम स्लेंडरनेस कौन क्या कंसिडर करते हैं, KL बाई RZZ मल्टीप्लाइड बाई 1.05 जो वैल्यू है वो होगा हमारा पूरा होल सेक्शन का हमारा स्लेंडरनेस रेशियो।
ठीक है, अब तो हमने देख लिया लेसिंग सिस्टम, लेसिंग सिस्टम कैसे होता है, अभी हम देख लेते हैं जो बैटन सिस्टम है वो सिमिलर टू दैट ऑफ आवर लेसिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, हमारे से इंक्लाइंड सेक्शन, इंक्लाइंड लेसिंग मतलब प्लेट्स नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, हमारा मतलब ऐसे ऐसे विदाउट इंक्लिनेशन, ऐसे पैरेलल पैरेलल प्लेट्स यूज करते जो प्लेट्स हमारा मेंबर मेन मेंबर से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यह पे जो ड्राइंग दिया हुआ है उसका एक स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग से स्पेसिंग को हम सी से डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ लेसिंग वन वन कैन यूज बैटन टू कीप द मेंबर ऑफ द कॉलम्स एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ए फिगर बिलो शोज द बैटन प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर से, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेंटेन करते हैं, वो जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो एज दिया हुआ है, पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये प्लेट्स है। नेक्स्ट, बैटन सिस्टम का भी अपना एक रूल्स होता है अकॉर्डिंग टू IS 800, सो बैटन प्लेट्स शुड बी प्रोवाइड सिमेट्रिकली, मतलब सिमेट्रिकली तो समझ में आ गया, सिमेट्रिकली मेंटेन यूनिफॉर्म मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, द बैटन प्लेट शैल बी प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर इन एट ईच एंड ऑफ द मेंबर एंड एट पॉइंट्स वेयर द मेंबर इज स्टेड इन इट्स लेंथ एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी स्पेस्ड एंड प्रोपोर्शनेटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, the number of batten shall be such that the member is divided into not less than 3 bays within the actual length of center to center tens connection, so yahan pe ye bola gaya hai jo batten plates hai opposite to each other at each end hai, matlab yahan pe jo yahan pe diya hua hai iske piche jo diya hoga uske piche bhi aur ek batten plate is taraf se, agar piche ki taraf se dekhenge to aur ek बैटन प्लेट्स उस तरफ भी दिया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है इसको यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनली एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेस जो सी स्पेस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, फिर नंबर ऑफ बैटन शेल बी सच दैट द मेंबर इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 3 बेज विद इन इट्स एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एंड कनेक्शन, सो हमारा जो है अगर ये अगर हमारा एंड है और ये हमारा अगर एंड है तो यहाँ पे कितना बैटन दिया हुआ है, पूरा कॉलम में 2 बैटन है, तो 2 बैटन हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, 2 बैटन से हमारा वो कॉलम अनस्टेबल है, सो मिनिमम हम 3 बैटन देना ही पड़ेगा, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, 3 बैटन से ज़्यादा प्रोवाइड करना है हमारा पूरा कॉलम में, सो वही दिया हुआ है इधर। नेक्स्ट हमारा जो वो है, बैटन शेल बी प्लेट्स एंगल्स और आई सेक्शन चैनल्स एट देयर एंड शेल बी रिबेटेड और बोल्टेड और वेल्डेड, ये तो पता ही है, ये ऐसे प्लेट्स भी होता है, एंगल भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है और आई सेक्शन भी हो सकता है एज अवर बैटन, ठीक है। और यहाँ पे वही दिया हुआ है कि हमारा जो 2 मेन मेंबर है, मेन मेंबर का जो RYY है, रेडियस ऑफ जायरेशन अलोंग वाई अलोंग वाई शुड बी ग्रेटर देन RZZ है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले मैंने समझाया है वही चीज़ इधर लिखा हुआ है। फिर इफेक्टिव लेंथ जो होगा बैटन का टोटल, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द बैटन कॉलम शेल बी 1.1 टाइम्स of the maximum actual slenderness ratio of the column in account for shear deformation. यहाँ पे जो मैंने समझाया था for case of our lacing, जो 1.1 बोला था 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो मिलता है टोटल हमारा होल सेक्शन का इन केस ऑफ लेसिंग, बट इन केस ऑफ बैटन हमारा जो टोटल स्लेंडरनेस रेशियो 10% इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वन हम क्या करते हैं जो KL/R आता है RZZ आता है, RZZ को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होता है, मतलब देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, द वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द बैटन मेजर्ड एज सेंटर टू सेंटर बिटवीन द एंड कनेक्शन ऑफ द कंसेक्यूटिव बैटन शेल बी सच दैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द कॉलम ओवर द डिस्टेंस शेल बी नाइदर ग्रेटर देन 50 नॉर ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज ए होल अबाउट इट ZZ एक्सिस, जो बोला गया था, जो मैंने यहाँ पे समझाया था लेसिंग के लिए समझाया था ना कि हमारा जो यहाँ पे कहाँ पे था इधर, हाँ यहाँ पे था, मैक्सिमम स्पेसिंग 50 और 0.7 जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 50 या 0.7 ऑफ द मोस्ट अनफेवरेबल स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए, तो ऐसे ही है हमारा इन केस ऑफ बैटन भी, हमारा जो दो अगर एक मेन मेंबर है उसमें हम बैटन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो बीच का जो ये पार्ट है ये भी लोकल बकलिंग होने का चांसेस है, इसको भी ऐसे होने का चांसेस है, तो इसलिए ये जो स्पेसिंग का स्पेस का जो हम स्लेंडरनेस रेशियो निकलेगा वो 50 से कम होना चाहिए और आइदर 50 से और
0.7 of total unfavorable slenderness ratio about z-axis. So ये particular member के लिए है. ये whole section का slender radius of gyration से calculate नहीं करते. ये particular single member का जो radius of gyration है उससे हम calculate करते हैं. ठीक है, ये पहले समझाया है मैंने. So Batten shall be designed to carry the bending moment and shear forces arising in transverse shear as Vt equal to 2.5% of the total axial force. ये तो ये पहले भी समझाया, 2.5% of the total axial force जो निकलेगा वो हम consider करेंगे as a shear force for the system, और इस हिसाब से हम हमारा Batten design करते हैं. ठीक है, so और यहाँ पे वही लिखा है कि अगर bending moment दिया हुआ है, अगर ये कॉलम को बेंडिंग होने का चांसेस है, तो हम जो बेंडिंग होने के कारण जो शेयर फोर्स क्रिएट होगा, शेयर फोर्स फॉर बेंडिंग जो निकलेगा प्लस 2.5% ऑफ एक्चुअल फोर्स, वो हम उस हिसाब से हम हमारा जो बैटन से वो डिजाइन करेंगे. अभी कुछ और चीजें देख लेते हैं. द डिजाइन शेयर एंड मोमेंट ऑफ ए बैटन प्लेट. तो डिजाइन शेयर है और बैटन प्लेट जो है उसका डिजाइन शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी बी एज आवर डिजाइन शेयर है जिसका कैलकुलेट हम करते हैं वी टी बाई, मतलब यहां से हमारा फोर्स आता है शेयर फोर्स, इस तरफ से शेयर फोर्स आता है जो हमारा है वी टी. ठीक है, सो इसको मैं मिटा देता हूं. वी टी है, सो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे हमारा सी से, सी मतलब ये दोनों फोर्स का जो डिस्टेंस है वो सी है, तो हमें मिल जाएगा ये मोमेंट मिल जाएगा, जो मोमेंट ये फोर्स क्रिएट कर रहा है, जो शेयर फोर्स क्रिएट कर रहा है. तो दिस विल बी आवर वी टी इंटू सी, जो मोमेंट क्रिएट करता है बी सी. ठीक है, ये मोमेंट कितना ये मोमेंट जो फोर्स क्रिएट कर रहा है वो इसके पीछे भी और एक प्लेट है, मतलब उस साइड में. तो अगर दो साइड में दो है तो ये जो मोमेंट क्रिएट होगा वो उसको डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है वो हाफ हो जाएगा. सो यहाँ पे जो है वो वी टी है, वी टी से वाई वी सी बाई टू डिवाइडेड बाई हाफ, क्योंकि इसके पीछे भी और एक है. हाँ, मैं मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाफ हो जाएगा. लेकिन और ऐसे कितना हमारा वो है एन है, कितना बैटन से, सो जितना बैटन से वो उतना सहेगा, तो एक बैटन कितना सहना है पड़ेगा डिवाइडेड बाई एन. सो ये हमारा टोटल मोमेंट फॉर इच सेक्शन हो गया. अभी देख लेते हैं जो शेयर फोर्स क्रिएट होता है, शेयर फोर्स जो क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है, मतलब कितना शेयर वो डिजाइन शेयर उसको करना है एक पर्टिकुलर बैटन को, वो होगा वी टी से जो ये जो वी टी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये तो मोमेंट हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाई जितना मोमेंट है वी टी बाई मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई जितना बैटन से, वो करने से एक पर्टिकुलर बैटन में कितना शेयर आएगा वो निकल जाएगा. दिस मस्ट बी इक्वल टू जो हमारा वो क्रिएट करेगा, हमारा जो बैटन शेयर क्रिएट करेगा, मतलब वी बी बाई मल्टीप्लाइड बाई वी बी मल्टीप्लाइड बाई एस. एस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस. सो ये जो हमारा डिजाइन जो शेयर, ये ऐसे इस दिस इज क्लॉकवाइज एक मोमेंट क्रिएट करेगा, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज और एक मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा दैट इज वी बी बाई एस, वी बी मल्टीप्लाइड बाई एस, मतलब ये एस है तो इस तरफ एक मोमेंट होगा और इस तरफ एक मोमेंट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस दोनों में डिस्टेंस क्या है एस. ठीक है, सो दिस इज वी बी, मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फोर्स आएगा, जो इस बैटन में जो वी है वी वी आएगा और इन दोनों में जो डिस्टेंस है एस आएगा, सो ये एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट क्रिएट करेगा और वो वाला हमारा क्लॉकवाइज एक मोमेंट क्रिएट करेगा. सो इसको अगर थोड़ा राउंड ऑफ कर दो, कि इसको अगर फिर से लिखो यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर से अगर लिखता हूँ इस इक्वेशन को, तो हमें वी वी मिल जाएगा. वी वी इज इक्वल टू वी टी सी बाई एन मल्टी डिवाइडेड बाई एस, इसको यहाँ पे लिखे आ गया. सो हमें वी वी मिल गया, मतलब कितना शेयर से सकता है ऐसे हमें बैटन प्रोवाइड करना है, मतलब ये बैटन हमें ये जो बैटन प्रोवाइड करेंगे उसका जो शेयर फोर्स जो सह सकता है वो वी भी ऐसे हम डिजाइन करना है इसको. ठीक है, तो मैंने इसको समझा दिया है यहाँ पे जो वैल्यू है और इसको फॉर्मूलाइज कैसे किया गया है वो भी समझा दिया है. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द एंड बटन. जो इफेक्टिव डेप्थ होगा मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द एंड बटन जो है शेल नॉट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द मेन मेंबर. सेंट्रोइड ऑफ द मेन मेंबर से जो डिस्टेंस है उससे कम नहीं होना चाहिए इफेक्टिव डेथ. एंड द इफेक्टिव डेथ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन, मतलब बीच वाला बैटन जो होता है उन बैटन्स में दिस शुड नॉट बी शेल नॉट बी लेस देन 3.4 ऑफ द जो मेन मेंबर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस. वही ठीक है, ये समझ गए आप. इन नो केस द विड्थ ऑफ बैटन शेल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द मेंबर. सो विड्थ ऑफ बैटन जो होगा, बैटन का जो विड्थ होगा वो हमारा वो मेन मेंबर का जो विड्थ होगा
उससे टूवाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टूवाइस विड्थ ऑफ द मेन मेंबर, मेन मेंबर का ये विड्थ है, मेन मेंबर का विड्थ से दोगुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैटन शेल नॉट बी टेकन एज लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द आउटर फैसनर्स। सो ये आप समझ गए, करके भी समझ सकते, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द बैटन शेल नॉट बी लेस देन 150 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन्स ऑफ द रिबेट, लाइन्स ऑफ रिबेट बोल्ट्स और वेल्ड। सो जो डिस्टेंस है हमारा, जो थिकनेस होगा बैटन का, जो थिकनेस है, ये अगर बैटन हुआ, इसका जो थिकनेस होगा, जो थिकनेस दिस डिस्टेंस, ये थिकनेस 150, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द, मतलब जो जो इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का 150 से कम नहीं होना चाहिए, ये एल अगर हुआ, मतलब एल बाई 150 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वेल्ड कनेक्टिंग द बैटन ऑफ द मेंबर शेल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द बैटन प्लेट। सो लेंथ ऑफ द वेल्ड जो होगा कनेक्टिंग द बैटन, बैटन जो कनेक्ट करने का वेल्ड होगा, शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ बैटन प्लेट, ठीक है। डेप्थ ऑफ द बैटन प्लेट से हाफ से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेल्ड शेल बी प्लेस्ड इन एट ईच साइड ऑफ इट्स एज, ठीक है। 1/3 से ज्यादा होना चाहिए एक पर्टिकुलर साइड में, ठीक है। सो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, सो इसको अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।